गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 4 फ्रॉम योर रीडर द बॉय एंड द रॉबर्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय कॉल्ड ओटांस। और इस स्टोरी में ये बताया है कि हाउ ओटांस ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, हाउ हिज पेरेंट्स टॉट हिम टू स्पीक ट्रूथ एंड ही ओबेज हिज पेरेंट्स एंड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड हाउ ही एस्केप्स फ्रॉम द रॉबर्स। तो पहले हम इसको रीड करेंगे। इन पर्शिया व्हेन साइरस द ग्रेट वॉज किंग, बॉयज वर टॉट टू टेल द ट्रूथ। दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन्स एट होम एंड एट स्कूल। नन बट अ कॉवर्ड विल टेल अ फॉल्सहुड, सेड द फादर ऑफ यंग ओटांस। ट्रूथ इज ब्यूटिफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर। When Otans was 12 years old, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. It would be a long journey and a dangerous one. So it was arranged that the boy should travel with a small company of merchants who were going to the same place. Goodbye, Otans. Be always brave and truthful, said his father. Farewell, my child. Love that which is beautiful, despise that which is fake, said his mother. The little company began its long journey. Some of the men rode on camels, some on horses. They went but slowly, for the sun was hot and the way was rough. Suddenly, towards evening, a gang of robbers swooped down upon them. The merchants were not fighters. They could do nothing but give up all their goods and money. Well, boy, what have you got? Asked one of the robbers as he pulled Otans from his horse. 40 coins of gold, answered the lad. तो ये story Otans की है। Persia में जब great king Cyrus राजा थे, उस time बच्चों को वहाँ पर हमेशा सच बोलने की ही शिक्षा दी जाती थी और ये समझाया जाता था कि हमेशा डरपोक लोग, कॉवर्ड मीन्स डरपोक लोग ही झूठे होते हैं, फॉल्सहुड मीन्स झूठे होते हैं, और सच हमेशा सुंदर और प्यारा होता है। और अपने बच्चों को हमेशा सच बोलने की ही शिक्षा दी जाती थी। तो जब ओटांस 12 इयर्स के हुए तो उनके पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना ओटांस को किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए। लेकिन वो स्कूल बहुत दूर था, लॉन्ग जर्नी में था। लॉन्ग जर्नी मतलब बहुत दूर यात्रा करके जाना पड़ता था और डेंजरस यात्रा थी उसकी, खतरनाक यात्रा थी। सो इट वॉज अरेंज दैट द बॉय शुड ट्रेवल विद अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। इसलिए ये सोचा गया कि बच्चे को किसी ऐसे ग्रुप के साथ भेजा जाए जो वहाँ पर जा रहा हो और वो उसको वहाँ छोड़ दे। और ऐसा समय आया कि उसके पेरेंट्स को एक ऐसी ग्रुप मिल गया, एक ऐसी कंपनी मिल गई जो कि मर्चेंट्स की कंपनी थी। मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी, व्यापारियों की कंपनी थी जो कि वहीं पर ही जा रहे थे। तो उसके पेरेंट्स ने उसको उस कंपनी के साथ भेज दिया। कंपनी जो थी, जो वो ग्रुप था, वो बहुत छोटा सा ग्रुप था। कुछ लोग तो कैमल्स पे रोड कर रहे थे, कुछ लोग हॉर्सेस पे, लेकिन बहुत स्लोली चल रहे थे वो लोग। क्यों? क्योंकि सन जो था वो बहुत ही हॉट था और रास्ता बहुत ही टफ था। तो अचानक से क्या हुआ, एक गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का गैंग, उन्हें रास्ते में मिल गया। और मर्चेंट्स जो थे वो फाइटर्स तो थे नहीं,
वो डर गए, उन्होंने अपना सारा पैसा अपना सारा सामान उन डाकुओं को उन रॉबर्स को दे दिया। एक रॉबर ने ओटांस को हॉर्स से नीचे खींच के पूछा, तुम्हारे पास क्या है? ओटांस ने आंसर किया, 40 coins of gold। द रॉबर लाफ्ड, ही हैड नेवर हर्ड ऑफ अ बॉय विथ सो मच मनी एज दैट। दैट इज अ गुड स्टोरी, ही सेड, वेयर डू यू कैरी योर गोल्ड कॉइंस? इट इज इन माई हार्ट अंडरनीथ द लाइन, आंसर्ड ओटांस। वेल, यू कांट मेक मी बिलीव दैट, सेड द रॉबर, एंड ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ द रिच मर्चेंट्स। सून अनदर केम अप एंड सेड, माय बॉय, डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड अबाउट यू? यस, 40 gold coins इन माई हार्ट, सेड ओटांस। You are a brave lad to be joking with robbers, said the man, and he also hurried on to a more promising field. At length, the chief of the gang called to Otans and said, young fellow, have you anything worth taking? Otans answered, I have already told two of your men that I have 40 coins of gold in my hat, but they won't believe me. Take off your hat, said the chief. The boy obeyed. The chief tore out the lining and found the gold coins hidden beneath it. अब उन रॉबर्स ने में से एक रॉबर ने ओटांस से पहले पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? लड़के, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास 40 coins है, गोल्ड कॉइन्स हैं। उसने कहा, अच्छा, बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, इतने से छोटे बच्चे के पास इतना गोल्ड कहाँ से आया? अच्छा, कहाँ है? उसने कहा, अंडर नीथ द लाइनिंग ऑफ माय हैट, हैट के अंदर की तरफ। उसने कहा, अच्छा अच्छा, और उसने उसको बिलीव नहीं किया। उसने सोचा, ये मजाक कर रहा है मेरे साथ में, इतना छोटा सा बच्चा इतना गोल्ड लेके कहाँ जाएगा? तो वो आगे चला गया। तभी दूसरा वाला रॉबर आया, उसने भी उससे यही पूछा, हाँ भाई बेटा, हाँ भाई लड़के, तुम्हारे पास कुछ है क्या गोल्ड? उसने कहा, 40 gold coins मेरी हैट में। वो भी हंसने लगा, कहने लगा, अच्छा, मुझे ही बेवकूफ़ बनाओगे? मैं तो मान नहीं सकता कि इतने छोटे बच्चे के पास इतना सारा गोल्ड होगा। तभी वो भी आगे चला गया। उसके बाद उनका जो चीफ था गैंग का, वो ओटांस के पास आया और उसने पूछा, ए लड़के, तुम्हारे पास क्या है? ओटांस ने आंसर किया, मैंने पहले ही आपके दोनों आदमियों को बताया कि मेरे पास 40 coins of gold है मेरी हैट में। उसने बोला, अच्छा, मैं तो नहीं मानता, अच्छा दिखाओ अपनी हैट निकाल के। बॉय ने अपनी हैट निकाली और अपनी अंदर की तरफ की जो लाइनिंग थी उसको टोर किया, टोर मीन्स फाड़ दिया, और उसके अंदर से गोल्ड कॉइन्स निकल गए। वाई डिड यू टेल अस वेयर टू फाइंड इट, ही आस्क्ड, नो वन वुड हैव थॉट दैट अ चाइल्ड लाइक यू हैड गोल्ड अबाउट हिम। इफ आई हैड आंसर्ड your questions differently, I should have told a lie, said Otans, and none but coward tell lies. The chief was struck by this answer. He thought of a number of times that he himself had been a coward. Then he said, you are a brave boy and you may keep your coins. Here it is. Mount your horse and my own men will ride with you and see that you reach the end of your journey in safety. Otans in time became one of the famous men of the country. He was the advisor and friend of two of the kings who succeeded Cyrus. उस रॉबर ने बोला, अरे तुमने हमें क्यों बताया कि तुम्हारे पास इतना गोल्ड है? Otans ने कहा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं तुम्हें गलत बोलता तो इसका मतलब मेरा झूठ होता, हम झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ कौन बोलते हैं? जो कमज़ोर लोग होते हैं,
और मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो मैं तुमसे झूठ बोलता। चीफ को उसकी बात का पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं भी तो कितनी बार झूठ बोलता हूँ और ये कितना ब्रेव लड़का है, इसने हमें अपने कॉइन्स के बारे में बता दिया। और इस बात से वो खुश हो गया और उसने वो कॉइन्स उसे वापस कर दिए और उसे कहा कि अपने घोड़े पे बैठो, माउंट योर हॉर्स मीन्स अपने घोड़े पे बैठो और मेरे आदमी तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आएंगे जहाँ तुम्हें जाना है और सेफली छोड़ के आएंगे। और टांस जो था उसके बाद बड़ा जब हुआ तो बड़ा होने के बाद वो जो उस कंट्री के दो बड़े राजा थे उनका फ्रेंड था। दिस वॉज द स्टोरी चिल्ड्रन, रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक अगेन।